ओम साईनाथाय नमः। साई बाबा की हर लीला अनोखी और बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। साई बाबा के पास एक बैग रहता था जिसे वे कभी भी किसी को छूने नहीं देते थे। इस बैग के द्वारा बाबा भक्तों को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे। बाबा के महासमाधि के बाद भी इस बैग को खोला गया और इसमें प्राप्त चीजों को भी बाबा के समाधि के साथ रखा गया। इन चीजों का बाबा के जीवन में बहुत ही बड़ा पात्र और अहमियत था। क्या था उस बैग में और वह बैग को बाबा क्यों किसी को नहीं छूने देते थे, इस वीडियो के द्वारा हर साई भक्त तक हम पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साई बाबा का पूरा जीवन मानव कल्याण में बीत गया। उन्हें एक सरल और सादगी से भरे सद्गुरु के रूप से जाना जाता है। उनकी हर लीला अनूठी है, यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा भी हर मनुष्य को सादगी का सबक सिखाती है। बाबा सदैव आडंबरों और सांसारिक उलझनों को वश में करने की सीख देते आ रहे हैं। साई बाबा कफनी पहनते थे जो मुख्यतः सफेद रंग का होता था। सफेद इसलिए क्योंकि सफेद सादगी का प्रतीक है। बाबा हमेशा श्री काशीराम शिंपी की बनाई हुई कफनी ही पहनते थे और अगर वह कफनी फट जाती तो उसे वे सिलकर फिर से उसे इस्तेमाल करते थे। कभी कभी तो उसे टुकड़े कर जला भी देते थे और फिर से नई कफनी पहनते थे। बाबा की हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। उनकी कफनी में एक दैवीय शक्ति रहती थी। अगर उन्हें किसी भी भक्त को उच्च स्थाई और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना होता तो वे अपनी कफनी उन भक्तों को प्रसाद के रूप में दे देते। साईं बाबा के कई भक्त जिनमें से श्री महलसापति भी थे, जो उनके परम भक्तों में से एक माने जाते हैं, उनकी कफनी प्राप्त कर आजीवन आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहे और कभी भी परेशानियां उनके करीब ना आ पाई। बहुत ही खुश नसीब थे वे भक्त जो बाबा की कफनी को ले पाए। बाबा सदैव अपने पास एक कपड़े का बैग रखा करते थे। भक्तों के लाख पूछने पर भी कभी भी उन्हें उस बैग को छूने तक नहीं देते थे। 15 अक्टूबर 1918 बाबा के महासमाधि के बाद उस कपड़े के बैग को खोला गया। उस बैग में हरे रंग की कफनी और हरे रंग की टोपी जो श्री काशीराम शिंपी ने बनाई थी और बाबा को भेंट दी थी, बाबा ने बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा था। कहा जाता है कि उस बैग को भी बाबा की समाधि में रख दिया गया है। बाबा सदैव अपने भक्तों को सादगी से जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दिया करते थे। उनका मानना है कि भगवान को भी वे लोग बहुत पसंद है जो सादगी से उनकी पूजा और सेवा करते हैं। यही संदेश उन्होंने दास गनु महाराज को भी दी कि भगवान के कीर्तन और भजन सदैव सादे वेशभूषा में ही करनी चाहिए। कई भक्तों का यह मानना है कि बाबा इसी वजह से उस हरे रंग की कफनी को नहीं पहनते थे और ना ही किसी भक्त को उसे प्रसाद के रूप में देते थे, लेकिन वे श्री काशीराम शिंपी को निराश नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने बड़े प्यार से बाबा के लिए वह हरे रंग की कफनी भेंट दी। बाबा कभी भी अपने भक्तों के प्यार से दिए हुए वस्तु का अनादर नहीं करते थे, इसलिए उस बैग को अपने पास ही रखते जिसमें हरे रंग की कफनी और टोपी थी और उसे किसी और को भी छूने नहीं देते थे। आज भी अगर बाबा के पहने हुए कफनी के दर्शन आप करना चाहते हैं तो शिरडी के दीक्षित वाड़ा के साई बाबा म्यूजियम में जरूर जाएं और बाबा की जादुई कफनी को देखकर अपने जीवन को धन्य करें। कितने प्यारे हैं हमारे साई बाबा, जिनके दिल और दिमाग में सदैव अपने भक्तों का कल्याण ही रहता है। बाबा अपने भक्तों के कष्ट को अपना कष्ट समझते और उनके दिए हुए हर भेंट को सर आंखों पर रखते। साई भक्तों को इससे यही सीख मिलती है कि मन में पूर्ण भक्ति और सादगी से ही ईश्वर की भक्ति और आराधना की जा सकती है। साई बाबा को अगर आप पूरी श्रद्धा से पूजा करें और आडंबरों और हंगामा से दूर रहे, बाबा की पूजा और व्रत जितनी सादगी से आप कर पाए उतना ही ज्यादा बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि बाबा का यह संदेश आप अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।